गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम भानु प्रकाश सिंह रावत है। मैं मयंक कॉलेज ऑफ एजुकेशन का छात्र हूँ। ये मेरी मैथमेटिक्स की लेसन प्लान डायरी है। और यह मेरी जो है साइंस की लेसन प्लान डायरी है। यह जो मेरा फाइनल टीचिंग लेसन प्लान है, जो कि साइंस टॉपिक से रिलेटेड है, जिसका कि टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सर, COVID-19 के कारण जो है अभी मैं अपने विलेज में हूँ और यहाँ पर टीचिंग करने से रिलेटेड मेरे पास पर्याप्त तो साधन नहीं है। और मेरा गांव मेन मार्केट से काफ़ी दूर पड़ता है और मार्केट में भी अभी टीचिंग किट उपलब्ध नहीं है। इसलिए मेरी टीचिंग में जो भी कमी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी आगे मैं क्लास टीचिंग में अपना पूर्ण प्रयास दूंगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मैं भानु प्रकाश सिंह रावत आपको यानी कि क्लास 7 को जो है विज्ञान पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक आज। अच्छा स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं पानी को गर्म करने पर क्या होता है? छात्र उत्तर देंगे, पानी को गर्म करने पर यह जो है भाप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, दूध को जमाने पर क्या होता है? तो छात्र उत्तर देंगे, दूध को जमाने पर यह दही में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, पानी को गर्म करने पर, दूध को जमाने पर इन प्रक्रियाओं में क्या हो रहा है? छात्र उत्तर देंगे, परिवर्तन हो रहा है। तो छात्रों स्टूडेंट, आज हम इसी से रिलेटेड जो है, इन्हीं प्रक्रियाओं से रिलेटेड जो है चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन जो है ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें वस्तु का बाह्य रूप अर्थात उसकी आकृति, आकार और उसकी जो अवस्था होगी, उसकी अवस्था में अगर परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन जो है वो अस्थायी होते हैं, क्योंकि इसमें जो है वस्तु अब फिर से अपनी पूर्ववत अवस्था में नहीं आ सकती, पूर्ववत अवस्था में आ जाती है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या आप जानते हैं पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं? पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वो जैसे आकृति, आकार, उसका रंग और उसकी अवस्था, ये जो है पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। अब जो है हम भौतिक परिवर्तन के उदाहरणों को समझेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब का जलना जो है एक भौतिक उदाहरण है। ठीक है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होती है और क्या होता है, बल्ब जलने लग जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं जैसे मोमबत्ती का जलना, रबड़ का खींचना, ये जो है सब भौतिक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। पानी का बर्फ बनना, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। क्या आप क्रिस्टलीकरण जानते हैं? क्रिस्टलीकरण भी एक जो है भौतिक परिवर्तन है। अच्छा, क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलीकरण मतलब कुछ पदार्थों के उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की विधि को जो है क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है, और यह भी जो है एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अच्छा, अब हम रासायनिक परिवर्तन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात आती है कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भार और उसके अणु की रचना में परिवर्तन हो जाता है और एक नया पदार्थ बन जाता है, लेकिन किसी भी विधि द्वारा उस पदार्थ को जो है हम पुनः वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसे परिवर्तनों को क्या कहते हैं हम?
रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, और दूसरी बात रासायनिक परिवर्तन जो है वो अस्थायी होते हैं, और अस्थायी होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन में जो जो विधि जो रासायनिक परिवर्तन जो विधि है वह अनुत्क्रमणीय विधि है, ठीक है। या फिर हम रासायनिक परिवर्तन को दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, और रासायनिक परिवर्तन को ही जो है रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो है पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। नाउ अब हम जो है रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरणों को समझते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे दूध का दही में जमना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, जैसे गन्ने के रस से सिरका का बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर पानी का रंग जो है वो दूधिया हो जाता है, ये भी जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य होता है, पौधों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो भी जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने के लिए जो है हमें ऑक्सीजन और जल यानी कि अथवा जलवाष्प कह सकते हैं दोनों की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है, ठीक है। जंग लगने की प्रक्रिया में जो है वो समीकरण क्या हो सकती है, जैसे Fe यानी कि आयरन का सिंबल Fe प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस H2O, तो ये जो है क्रिया करके क्या बनाता है, ये क्रिया करके जो है आयरन ऑक्साइड बनाता है Fe2O3, जिसको कि हम जंग के रूप में जानते हैं। छात्रों यदि वायु में जो है यदि वायु में जो है आर्द्रता की मतलब आर्द्रता जो है की मात्रा जो है वो अधिक हो, अर्थात नमी अधिक हो, तो जंग जो है वो जल्दी लगती है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण जो है ये भी है, जैसे कि ओजोन गैस द्वारा जो सूर्य से जो है प्राबैंगनी किरणें आती हैं, तो यह जो है ओजोन जो लेयर होती है वो जो है उनका अवशोषण करती है और उसे ऑक्सीजन में चेंज करती है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का जो है उदाहरण है। तो छात्रों ये था आज का चैप्टर हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसमें कि हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को डिस्कस किया तथा उसके उदाहरणों को डिस्कस किया। छात्रों मुझे उम्मीद है आपको जो है ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। थैंक यू।